सागर जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल सागर में देवरानी, जेठानी, नानी और नातिन के मृत होने का एक बड़ा ही मामला रहा है। बताया जा रहा है कि शुरुआती जांच में पुलिस ने इसे सामूहिक घटना का मामला बताया है। चारों के शव कुएं से बाहर निकाले गए हैं और परिवार ने छोटी बहू के घर वालों के धमकाने से तंग आकर इस बड़ी घटना को अंजाम देने के आरोप लगाए हैं। इसके बाद बताया जा रहा है कि अब जो रिपोर्ट दर्ज की गई है वो छोटी बहू के पति, दोनों देवरानी जेठानी के पति पर FIR दर्ज कर ली गई है। मामला है जो देवरी थाना क्षेत्र के कोपेरा गांव का है। इस घटना की जानकारी के बाद दैनिक भास्कर की टीम ग्राउंड रिपोर्ट की जानकारी लेने के लिए उसके परिजनों से मिली, लेकिन इस घटना के दौरान पता चला है कि शाम को छोटी बहू के मायके वालों ने कोपेरा गांव आकर परिवार को धमकाया और केस में राजीनामे के लिए 20 लाख रुपए और 5 एकड़ जमीन मांग रखी थी। इसी दौरान बताया जा रहा है कि इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि सबसे पहले देवरानी जेठानी का बड़ी घटना का पता चला, लेकिन उसके बाद नानी और नातिन का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद बताया जा रहा है कि SDRF की टीम मौके पर गांव वालों की संख्या उमड़ उड़ी और बताया जा रहा है कि पुलिस भी मौके पर पहुंची है, जिसके बाद इस पूरे मामले का कुछ उजागर तो अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं हुआ है, लेकिन अभी पुलिस जांच कर रही है जिसके बाद मामले का खुलासा होगा। फिलहाल अब बताया जा रहा है कि लोधी परिवार के कुछ युवकों पर इस रिपोर्ट दर्ज कराई है जिनसे पूछताछ जारी है। सो दोस्तों बड़ी खबर थी, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट को अपनी राय जरूर दें।